को इस प्रदेश के राजभाग का मालिक बनाने के लिए देवेंद्र हंस को जिताएंगे। आप हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री चाहते हो तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, देवेंद्र हंस को जिताना होगा। देवेंद्र की वोट से हुड्डा साहब हरियाणा के राजभाग के मालिक बनेंगे। मैं एक बार फिर कैथल के गोला विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक नौजवान साथी जो कुल 46 साल के पांचवी बार एमपी हैं, हमें आशीर्वाद देवेंद्र हंस को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। अरे एक और बता जुरे, 46 साल का पूरे भारत में अकेला है, दो लाइन इसी सुन लो और पे पल्ला गांठ दिला के ग्राम बिग जाओ, यहां से सीधा वाया पटियाला देवेंद्र ने उड़े भेज दो और हुड्डा साहब हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, आपके राजभाग के मालिक बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। और मैं अनुरोध करूंगा कि भाई देवेंद्र हंस जी आए और आई हुई गुला की जनता से वोट की अपील करें। भाई देवेंद्र हंस जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुला हलका, गुला हलका, गुला की जनता। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय नेता, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के जन जन में बसे हुए हैं, मैं पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे हिसार के सांसद जयप्रकाश जी और पूर्व गुला के पूर्व एमएलए रहे चौधरी दिल्लू राम जी, और मेरे साथ में पूर्व एमएलए रहे फूल सिंह जी खेड़ी, और भी कई ऐसे सम्मानित मंच उनका मैं यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, नौजवान साथियों, वो समय आ गया है कि अब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। आप तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुला के हर एक गांव से आए हुए 36 बिरादरी का यहां पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ओ ये जो हम इकट्ठा हुए हैं किसी एक उद्देश्य के कारण, कि हर एक जनमानस की जरूरत के कारण, मित्रों समय बहुत कम है। माननीय नेताजी को जाना था, मैं बहुत कुछ अपनी समस्या भी रखना चाहता था गुला की, क्या है क्या नहीं है। अगला समय आएगा 5 तारीख के बाद, जो भी अपनी मांग होगी माननीय भाई साहब, जो भी गुला के लिए होगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी भाई साहब आपको। हाँ, सारी मंच पर मैंने आश्वासन ले लिया भाई साहब से, जो भी समस्या है वो दूर करने का वादा कर रहे हैं भाई साहब। और ज्यादा कुछ ना बोलते मैं भाई साहब से मंच अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एमपी साहब इधर ही आ जाओ, आप कुर्सी यही मंगा, आ जाओ, आपके बिना जी नहीं लगता ना हमारा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हिसार से सांसद और हरियाणा में एक संघर्ष के एक प्रतीक हमारे भाई जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही आदरणीय गुला से कई बार जो यहाँ से जिनको आपका आशीर्वाद मिला, और हम धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने हमारी आज बात रखी है, उनका भी मान सम्मान हम पूरा रखेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय डिल्लू राम बाजीगर जी,
हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी और आपके होने वाले विधायक, हमारे भाई देवेंद्र हंस जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी बात का, कांग्रेस पार्टी का फैसले को सिरे चढ़ाने का, मैं करूंगा बात आपकी, बात रखा, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और उनका भी पूरा मान सम्मान, जो आज हमारी आपने बात रखी है हम आपकी पूरी बात रखेंगे। हमारे फूल सिंह खेड़ी जी, हमारे पूर्व मंत्री, सभी सम्मानित मंच, 10 साल से जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार जिसने इतना नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का, कर दिया कि नहीं कर दिया बीजेपी ने हरियाणा का, ऐसी सरकार, इस सरकार की विदाई का समय आ गया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। गुलाचिका में, गुलाचिका हल्के का नजारा देख लिया, गुलाचिका हल्के से भी एक ही बात आ रही है, गुलाचिका हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब की सरकार को बनाना है और देवेंद्र हंस को यहां से जिताना है। ये फैसला और ये आज हरियाणा में माहौल क्यों बना, आज हरियाणा में ऐसी लहर कांग्रेस के पक्ष में क्यों आई, आपने देखा, मैं बधाई देता हूं, आपने देखा होगा, हम पिछले 1 घंटे से खड़े, 1 घंटे से, लेकिन इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने स्वागत हुए, स्टेज पे आपने देखा होगा एक रैली जैसा काम स्टेज पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सुनो, आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार भी स्टेज पे कोई चढ़ जाए कोई सेल्फी वेल्फी के लिए तो खट्टर साहब क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ये फर्क है। 10 साल में जिन्होंने हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया बीजेपी ने, जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था हमारा ये प्रदेश, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर एक बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर एक बन गया नशे में, देश में नंबर एक बन गया अपराध में, क्राइम रेट में, महंगाई, भ्रष्टाचार, काम कुछ किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई बड़ा काम गुलाचिका में हुआ हो, कैथल में हुआ हो, कोई इन्होंने विकास कार्य किया हो, काम किया नहीं, और हर वर्ग का अपमान किया, एक ऐसी सरकार साबित हुई, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को पहुंचाने वाली सरकार, जो हरियाणा का नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश की रक्षा करता था, आज वो डोंकी के रास्ते घर बार बेचकर विदेशों में जाकर उधार लेकर विदेशों में हजान हथेली पे रखकर विदेश की सीमा पार कर मजदूरी करने पे इतना मजबूर हो गया क्योंकि हरियाणा में कोई भविष्य दिख नहीं रहा। आज वो नौजवान नशे की पंजाब से भी ज्यादा आगे नशे में आज हमारा इलाका चला गया, ऐसी स्थिति बन गई। जो हरियाणा किसान देश का पेट भरता था, इस सरकार ने कितना अपमान किया उस किसान का, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार, किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार ने ली, लेकिन कितनी क्रूर सरकार है, कितनी अहंकारी सरकार है कि सहानुभूति के दो शब्द भी, आज तक 750 किसानों के घरों के घर उजड़ गए, 750 शव वापिस आए इन धरनों से, लेकिन आज तक सहानुभूति के दो शब्द भी बीजेपी की सरकार की तरफ से नहीं आए। सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, कर्मचारियों पे लाठियां चलाने वाली ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने के नारे देने वाली ये सरकार, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये सरकार, क्या कसूर था विनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, हमारी बेटियों का क्या कसूर था जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया गया, 6 महीने तक उनके कहने से FIR भी नहीं दर्ज हुई, क्योंकि जो आरोपी सांसद थे वो भाजपा के सांसद थे। बेटी बचाओ का नारा था लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्रियों को बचाओ का नारा,
बेटियों की इज्जत को ना समझने वाली ये सरकार, इतनी अहंकारी सरकार, और अहंकार तो कभी किसी का टिका नहीं, इतना अहंकार हरियाणा के जन जन को उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया, पोर्टलों में आईडियो में, किसी को पोर्टल में उलझा दिया, किसी को आईडियो में उलझा दिया, युवाओं को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। ये युवा, ये सारे युवा कह रहे हैं दीपेंद्र जी सरकार बनने पे हमारी भर्ती की ज्वाइनिंग कराओ, तो ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारी सरकार बन गई हो, बीजेपी के पास नहीं जा रहे ये बीजेपी के पास नहीं जा रहे, इनको कितना शोषण, कच्ची भर्ती के नाम पर कौशल निगम ले आई हरियाणा सरकार, अग्निवीर की भर्ती ले आई केंद्र सरकार, कच्ची भर्ती के नाम पे कितना शोषण इन नौजवानों का किया गया आपने देखा। और ये 25,000 वाले तो ये तो वो लोग हैं जिनकी जो नौकरियां निकली, उस नौकरियों में कहा कि लोकसभा से पहले लगाएंगे, फिर लोकसभा इलेक्शन आ गया, फिर कहा कि लोकसभा के बाद लगाएंगे, फिर लोकसभा के बाद का समय चला गया, फिर बोला विधानसभा से पहले लगाएंगे, फिर विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया, अब इनको कह रहे हैं दोबारा सरकार बना दो तब ज्वाइनिंग कराएंगे। जैसे सनी देओल की पिक्चर आई थी, सनी देओल की पिक्चर एक आई थी, क्या कह रहे थे, तारीख पे तारीख। इन नौजवानों को खट्टर साहब ने, खट्टर सरकार से मिली तारीख पे तारीख, और कांग्रेस की सरकार में आते ही मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। नौजवानों को ज्वाइनिंग दिलवाना काम करें। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई है, जिस जय जवान जय किसान के नारे को कुचल दिया इस बीजेपी की सरकार ने, ये लड़ाई जय संविधान के नारे को की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आज पूरे हरियाणा में एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाई गुला चिका हलके से पूछना चाहता हूं, हरियाणा के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं, 3 दिन पहले मैं अंबाला गया, अंबाला में आई की 9 सीट कांग्रेस जीत रही है, सिरसा में गए सिरसा की 9 जीत रही है, सोनीपत में 9 की 9, हिसार में जयप्रकाश जी खड़े हैं, अभी जीते थे जयप्रकाश जी 3 महीने पहले हिसार की सारी सीट। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप क्या करोगे, गुलाची का वालों तुम क्या करोगे, जिता दोगे? ये भाई ये आज का जोश, मगर जोश के साथ होश भी, मुझे पता है हम बहुत घंटे लेट आए, मुझे ये भी पता है आज दिन का प्रोग्राम था हम बहुत घंटे लेट पहुंचे, मगर उस ये चुनाव एक एक वोट आप देना, ये चुनाव देवेंद्र नहीं लड़ रहे, देवेंद्र तो लड़ रहे हैं लेकिन जो वोट देवेंद्र को जाएगी वही दीपेंद्र को बनाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। ये एक एक वोट हमारे खाते में जाएगी, और तो भाई ये देवेंद्र का साथ देना, इसका तो नाम भी मेरे से मिलता जुलता है, आपसे अदला बदली कर लेंगे। तो भाई यहाँ की जिम्मेदारी गुलाची का हलके की विकास की जिम्मेदारी हम पे छोड़ना, ये हमारी नौजवान टीम। भाई देखो आप भी देखते हो जब अपा ट्रैक्टर चलाते हैं तो एक तो भाई ये जब नया ट्रैक्टर आता है शोरूम से, आप समझ गए, उसको कहीं दौड़ा ले जाओ। तो भाई ये नौजवान है भाई, आपका बड़ा काम करेगा, आपकी बड़ी सेवा करेगा, इसको मौका देना यहाँ से, और यहाँ गुलाचिका हलके को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। सरकार बनते ही हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे, बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे, किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलवाने का काम करें, गरीब को SC समाज बैकवर्ड समाज छत्तीस बिरादरी गली परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिलवाने का हम काम करेंगे, और इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम, महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और 2,000 रुपये की पेंशन अलग से महिलाओं की हरियाणा में बनवाने का महालक्ष्मी योजना में हम काम करेंगे।
खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और खाली पड़े 2 लाख सरकारी नौकरियों को तुरंत हरियाणा में जल्द से जल्द हरियाणा में सरकारी नौकरियों का लाभ हमारे नौजवानों को दिलवाने का काम करेंगे और गुला चिका हलके को विकास में नंबर एक बनाने का हम काम करेंगे और हरियाणा को ये जो आज नशे में बेरोजगारी नशा और पलायन मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ आप धैर्य रखें और पलायन विदेश में नहीं, सरकार हमारी बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनेगी हरियाणा में, नौजवानों की सरकार बनेगी और पलायन अगर करना पड़ेगा तो ये जो नशे का बिकवाने का काम करते हैं 1 महीने बाद इनका पलायन कराएंगे, हरियाणा से पलायन करा देंगे जो नशे का कारोबार, तो इनका तो भाई अभी नहीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप बताओ भाई ये इलेक्शन ये भाई ये भाई ये नौजवान है गरीब घर से आए एक ऐसा नौजवान है जिस पे बड़ा विश्वास व्यक्त करके यहाँ से इसको उम्मीदवार बना के भेजा है, इस विश्वास को पूरा करने का काम जितना इसका है उतना ही आपका है। मैंने जोश तो देख लिया आज, आधी देखो आधी पार्टियां खाली होगी बाकी सारी आधे ज्वाइन हो गए आज, अगली बार मैं एक हफ्ते के बाद दोबारा आऊंगा जो बचे कुचे दूसरी पार्टियों में तब ज्वाइन करा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मंत्री चाहिए, इनको मंत्री, MLA तो हम बना देंगे, मंत्री चाहिए हमें।